हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोलो डीजल इंजन रेंटो जिसमें टाइमिंग कैसे मिलाते हैं। तो टाइमिंग पोजीशन बिल्कुल इजी है, आप वीडियो में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे देखने में तो बहुत हार्ड होता है ये, बट आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे और एकदम सिंपल मेथड से बताएंगे जो भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको देख सकते हैं, हमने तो कैम सब बाहर ही निकाल दिया था, जिसके लिए हम टाइमिंग मिलाएंगे आप। और मिलाने के लिए सबसे पहले आपको देख सकते हैं ये आपका कैम का पोजीशन जो है ये वाला, ये बोल्ट के एकदम सीधा होना चाहिए यहाँ इस साइड, और इधर का भी उस साइड दिखना चाहिए, और पीछे का लेवल जो है ये वाला कट एकदम पीछे से परफेक्ट होना चाहिए। ये अगर नहीं आता हो तो एक दो राउंड दाता आउट होता है, तो आप एक दो बार ऊपर नीचे करके डाल दीजिए, कन्फर्म हो जाता है, वो मिल जाएगा टाइमिंग, उसमें कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। आप सेट कर करके डाल दीजिए। और प्लेट जो है, प्लेट लगानी है आपको, तो प्लेट में सिलिकॉन हल्का मार देना, पर सिलिकॉन कब मारिएगा जब आपका टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही कंप्लीट फिटिंग करिएगा पहले टेप ये प्लेट। और आगे के लिए आपको बता दें, ये डीजल पंप की टाइमिंग है जो कि आप देख सकते हैं ये कट है, और इसमें आपका ये लॉक हो जाएगा, वाल लॉक कर सकते हैं आप, हालांकि आपके पास स्पेशल कोई टूल्स है तो वो भी यूज कर दीजिए, इसे हम देसी जुगाड़ से ही करेंगे। ये देख सकते हैं इसी गाड़ी का वाल है, ये लॉक हो गया, और यहाँ पर भी आप इसी मेथड से कर दीजिए, ये भी वाल लॉक हो जाएगा ऐसे करके, पकड़ो तो इधर देखो यहाँ कट आएगा आपका इधर अंदर, इसमें भी आपका ये लॉक हो जाएगा इस प्रकार से, बिल्कुल घूमने मत दीजिएगा। और पीछे से भी आप कंडीशन देख लीजिए, यहाँ से ये लेवल कंप्लीट है, इस पर कोई चक्कर या फिर निशान पे कोई आता नहीं है कटवट, तो आपको इसी मेथड से मिलाना पड़ेगा इसे। और ये बोल्ट ढीला कर लीजिएगा आप बेल्ट एडजस्ट करने के लिए पुली को, जो कि ये 3 बोल्ट है, और ये मेन बोल्ट टाइट कर दीजिएगा। चलिए हम प्लेट लगा के बताते हैं आपको, थोड़ा सा ढीला कर लीजिएगा एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि बेल्ट कंप्लीट फिटिंग होगा फिर, नहीं तो ढीला कम बताएगा। तो हम प्लेट लगाएंगे इसमें, फिर आपको दिखाएंगे वीडियो। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये हमने आगे वॉल लॉक कर दिया, डीजल पंप में यहाँ कर दिया, और पीछे आपको दिखा दो, पीछे पोजीशन एकदम सीधा हो गया हमारा कंप्लीट, देख सकते हैं। इसमें नट लगा दिया, 3 से 4 नट लगा दिए, फिर में आपको 6-7 नट तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कवर तभी चोटेगा, सिलिकॉन लगा के कंप्लीट कर दिए हैं। और आपको मेन क्रैंक का पोजीशन बता दें आपको, तो क्रैंक में देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैमरे में दिखता हो तो शायद एक कट है ये वाला, जो कि एकदम इसके सामने आएगा यहाँ पर, इसे हम सामने निकल लेते हैं। कंप्लीट है ये कट, एकदम बिल्कुल इसके जस्ट सामने हो रहा है यहाँ पर। अब हम बेल चढ़ा लेंगे, वाटर पंप में कोई टाइमिंग वाइमिंग कुछ आता नहीं है, डीजल पंप में हो गया, ये कैम साफ में हो गया। अब यहाँ पे हम बेयरिंग लगा देंगे टेस्नर की, जो कि ये रही, तो ये भी लगा लेते हैं हम। आपको टेस्नर भी देखना है, ये वाला कट ये अंदर जाएगा जो इस प्रकार से, ये ऐसे लगेगा, और यहाँ पे नट लग जाएगा, ये भी हम लगा लेते हैं। आपको एडजस्ट करने के लिए टेस्नर ये 6 नंबर की लंकी लगेगी, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे बेल पोजीशन के लिए। तो चलिए हम पट्टा लगा लेते हैं, फिर आपको टाइमिंग लगा के फिर 2-3 राउंड इंजन घुमा के फिर दिखाऊंगा मैं। तो फिलहाल अकेले हूँ तो फ़ोन पकड़ नहीं पा रहा हूँ कैमरा, जिसकी वजह से मुझे रोकना पड़ रहा है वीडियो।
और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हमने बेल्ट लगा दिया और ये लॉक करने का पोजीशन कंप्लीट है इस समय जैसे था, और ये बोल्ट ढीला ही है फिलहाल, टाइट तो है नहीं उतना ज़्यादा, पर ये टाइट कर लेना है आपको, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एरो यहाँ था जो कि मिल गई है कंप्लीट, ये वाला, अब इसे लॉक निकाल देंगे इसका और इंजन राउंड करेंगे 2-3 राउंड घुमा के, अगर हमारा इंजन वाल कहीं टकराएगा नहीं तो समझ लीजिए टाइमिंग कंप्लीट है। तो चलिए हम घुमा लेते हैं फिर आपको बता देते हैं, इससे अब ये कंप्लीट हो गया टाइमिंग। अब जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।